साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। गुरुग्राम मीडिया छोटी दामनी केश अपडेट 1 दिसंबर 2023। दो पुलिस अधिकारी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट, संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध वेलेबल वारंट तथा जोधपुर महिला थाना के मालखाना के इंचार्ज को सम्मन जारी। गत 1 दिसंबर को पॉक्सो कोर्ट में दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, शयश सोहेल, अभिनव राज, राशिद, ललित वड़गुर्जर, सुनील दत्त पेश हुए तथा अपनी ओर से बहस में वकील धर्मेंद्र मिश्रा जी के साथ सहयोगी नीरज देशवाल, प्रत्युष यादव पेश हुए। जैसा कि बीते 15 नवंबर को कोर्ट ने पालम बिहार थाना के पुलिस अधिकारी यश याचो आईओ को वेलेबल वारंट तथा जोधपुर महिला थाना के मालखाना के इंचार्ज को सम्मन जारी तथा संबंधित जांच अधिकारी को हिदायत दी थी कि शिकायतकर्ता द्वारा ओरिजिनल कंप्लेंट, जिस शिकायत के आधार पर 0 FIR दर्ज हुई थी, उसकी कॉपी फाइल करने का आदेश जारी किया था, लेकिन गत 1 दिसंबर को पुलिस के द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा दी गई मूल शिकायत की कॉपी दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं करने पर पालम बिहार थाना के यश याचो आईओ के खिलाफ वेलेबल वारंट जारी कर साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगाकर दस्तावेज पेश नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है तथा ट्रायल के दौरान पुलिस को प्रत्येक तारीख पर उपस्थिति होकर अपेक्षित केस संपत्ति रिकॉर्ड पेश करने का भी निर्देश दिया है। गत 15 नवंबर की सुनवाई में वे पुलिस अधिकारी जिनके विरुद्ध पिछली तारीख में वेलेबल वारंट जारी हुआ था, वे पेश नहीं हुए, जिस पर न्यायालय ने गुरुग्राम के पालम बिहार थाना के अधिकारी दीपक कुमार और सुमन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके अलावा फंडाराम पुलिस स्टेशन महिला पश्चिम जोधपुर राजस्थान के मालखाना इंचार्ज को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है, जिसके तहत केस प्रॉपर्टी शिवा भाई उर्फ सवाराम का मोबाइल मालखाने की हिरासत में रखा गया था। महिला थाना पश्चिम जोधपुर शहर में बापूजी के विरुद्ध FIR में केस संपत्ति के रूप जमा रखने वाला फंडाराम को निर्धारित तिथि पर पेश होने, केस संपत्ति और रजिस्टर नंबर पेश करने का निर्देश जारी कर अगली तारीख 21 दिसंबर 2023 दी गई है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।